पूर्णिया में हथियार का फर्जी लाइसेंस बनाकर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले 7 फर्जी गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पिछले दिनों पूर्णिया के बस स्टैंड में 3 लोग एक दुनाली बंदूक को लेकर हंगामा कर रहे थे। लोगों ने इसकी सूचना हाट सहायक थाना अध्यक्ष अमित कुमार को दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 3 ही लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। सर, एक तो अरविंद चौधरी है और हम किसी को नहीं जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनिल चौधरी। जब ये लाइसेंस बंदूक सप्लाई किया गया तो कोई कागज वगैरह भी बनाया गया था क्या? एग्रीमेंट कैसे, पैसे ही ले लिए ऐसे? मतलब लाइसेंस बना के दिया, उसके बाद यहाँ से कलेक्टर बना के दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्या नाम है? प्रभात कुमार पटेल है। इसे 2,25,00,000 रुपया दिए हैं, जमीन बेच के दिए हैं। पवन कुमार को। पवन कुमार कहाँ रहते? वहीं इस दौरान पूछताछ में आरोपियों ने बंदूक के फर्जी लाइसेंस और अवैध हथियार होने की जानकारी दी। व्यक्ति जो प्रमोद यादव, राकेश यादव और आकाश यादव नशे की हालत में मिले और हथियारों के साथ मिले, तो उसके बाद उन लोग से पूछताछ की गई। जब हथियारों के संबंध में तो उनके द्वारा कोई भी वैध कागजात नहीं प्रस्तुत किया गया और उसके संबंध में स्पष्ट रूप से बताया भी नहीं गया, तो उसके बाद से उन लोग ने फर्दर अपने एक मित्र के बारे में बताया, निखिल मंडल। जब निखिल मंडल को उठाया गया तो उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है, जिससे पता चला कि ये रैकेट जो है शहर में जितने भी ये गार्ड वगैरह हैं उनको अवैध रूप से हथियार सप्लाई कराता था, जिसका कोई लाइसेंस वगैरह नहीं होता था, और कई बार जो कंट्री मेड वेपन्स भी सप्लाई कराता था और एम्यूनिशन भी सप्लाई कराता था, जिसके अवैध में वो दलाल थे, कुछ बीच में मिडलमैन थे जो पैसा एक मोटी रकम तय कर लेते थे जिसके अवैध में ये उपलब्ध कराया जाता था। उसके बाद हम लोग ने पुष्टि करने के लिए जब विभिन्न जो इंस्टॉलेशन थे, फॉर एग्जांपल बैंक है, LIC ऑफिस है, सदर हॉस्पिटल, वहाँ के गार्ड वगैरह को जैसा कि हम लोग को सूचना मिली थी पकड़ा और उठा के पूछताछ की गई, तो इस एक बड़े रैकेट का उद्भेदन हुआ है और जैसा कि आप देख सकते हैं भारी संख्या में ये गैर लाइसेंसी और कंट्री मेड हथियारों की रिकवरी हुई। पूर्णिया से प्रभाकर राज की रिपोर्ट।